ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। गाइस, काफी लोग आप में से मतलब वीडियोस को देखते हैं बट यार सब्सक्राइब नहीं करते, यार प्लीज यार नीचे सब्सक्राइब का बटन है यार, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार आप लोगों के लिए रेगुलर अलग अलग कंटेंट आते रहते हैं इस चैनल पर, यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो गाइस इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। देन गाइस, आपको करना, आपको जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। एंड गाइस, पोज वगैरह आप देख लेना गाइस, ठीक है, आपको इसी तरीके से पोज रखना है अपना। एंड उसके बाद गाइस आपको जो है मॉडल को कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में ऐसे ऐड करना है। एंड गाइस, ऐड करने के बाद आपको फोटो को डन नहीं करना है, आपको जो रिजर टूल का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर जो एक ऑप्शन है, उसके ऊपर जो एक ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करके आपको मॉडल का डुप्लीकेट करना है, जैसे सेम साइज में वैसे ही रख देना है। देन उसके बाद आपको उसको क्या करना है, उसको लेके जाना है ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे एक मिलेगा कलर्स का ऑप्शन, आपको सिंपली इस कलर्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड कलर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइज आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसको लेकर मर्ज कर देना है। एंड उसके बाद आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन लेकर आपको उसको डन करना है। देन उसके बाद जाना आपको रेजर टूल में, आपको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको जो है इसके ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेना है। एंड इसको कम कर लेने के बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद जो आपको ऐसे इस तरीके से पेंट करना है, तो गाइज इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। सबको जिस टाइप से ऐसे फटाफट कर लेना है, ठीक है, आपको मतलब कि आपको पैरों के पास जो है आपको चारों तरफ करना है। ये गाइज मैं आप लोगों को इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज अभी हम जब इसमें यहाँ पे जो बिजली बिजली का जो पीएनजी लगाएंगे गाइज, उससे क्या है कि इसका रिफ्लेक्शन जो आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, तो उसको रियलिस्टिक से दिखाने के लिए गाइज मैं आपको ये बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज इसके ऊपर जो एक मैंने प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है रिम लाइट क्रिएट करने के ऊपर, तो गाइज अगर आप लोग चाहो डिटेल में अगर आप समझना, तो गाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, तो आपको उसको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो अभी हम इसको यहाँ पे कर लिया हमने इतना, आप क्या करना है गाइस, इसमें आपको आप यहाँ पे सिंपली डन कर देना अपनी फोटो को, ठीक है, तो यहाँ पे हम डन करते हैं। अब गाइस उसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको लाइटनिंग का पीएनजी मिल जाएगा, ठीक है, तो अभी आपको उसको ऐड करना है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस इसको ऐड करके जो है आपको यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे चारों तरफ लगा देना है इसका डुप्लीकेट कर करके, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा फटाफट करते हैं ताकि गाइस जो आपका टाइम वाइम बचे, तो उसको हम फटाफट करते हैं। ओके गाइस, तो इतना हो चुका है हमारा, तब इसे हमने डन भी कर लिया। अब गाइस ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ पे हम थोड़ा आई का जो पीएनजी है वो भी लगाएंगे, तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड ऐड करके जो है गाइस आप लोगों को क्या करना है, ऐड कर लोगे जब आप, तब आपको यहाँ पे इसको जूम करके एंड इसको अपने आई के ऊपर लगाना है, ठीक है, तो उसको भी फटाफट लगाते हैं। एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। एंड गाइस आई के पास ना आपको एक पीएनजी और लगाना है गाइस, ठीक है, ये वाला जो कि मैं आपको अभी दे देता हूँ, अभी ऐड फोटो में चल के ले लेते हैं पहले हम ये वाला पीएनजी, आपको अपनी आई के ऊपर जरूर लगाना है, ठीक है, इस वाले पीएनजी को। एंड इसको कैसे लगाना है आपको मैं बता देता हूँ, आपको सिंपली अपनी आई के पास ऐसे ले जा कर रख देना है, ठीक है। तो ये गाइस मतलब आई लगाने में जो आई का पीएनजी लगाना है बहुत परेशानी हुई यार मेरे को, मेरा फ़ोन भी काफ़ी हैंग कर रहा था, तो अभी हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेते हैं, आप इसको हम ओवरले रख लेते हैं, ठीक है, तो पीएनजी भी आपको जरूर लगाना है। बाकी गाइस आपको क्या करना है, आपको गाइस देखिए अपने जो आपका जो सिर है आपको उसके पास एक ब्लैक कलर का एक जो बैकग्राउंड नहीं है पीएनजी है, तो मैं आपको दे दूंगा, ये भी आपको लगाना है, ठीक है। पहले गाइस आप लोग देख लेना, अगर आपकी अगर मतलब आपके सर के ऊपर अगर फिट हो जाए ऐसे, तो गाइस आप ऐसे ही लगा लेना। बाकी अगर ये फिक्स ना हो तो आपको क्या करना है, आपको गाइस इसको थोड़ा सा छोटा करना है, देन आपको साइज़ इंक्रीज़ करना है, एंड साइज़ इंक्रीज़ करके इसको बड़ा कर देना है। एंड रिजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट करके ब्रश लेना, ब्रश की ओपेसिटी थोड़ी सी कम करके, एंड इसके बाद जो आपको इस तरीके से पेंट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से आपको अपना खुद का बना लेना अपने फेस के हिसाब से। देन आपको इसमें क्या करना है, आपको इसको सिंपली डन करना है। एंड उसके बाद आपको एक पीएनजी और लेना है, ठीक है, जो नारुतो का जो लोगो होता है गाइस आपको उसको लेना है, ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ से।
एंड इसको लेने के बाद आपको सिंपली ऐड करना है एंड उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो को जूम करना है इस तरीके से एंड इसको अपनी फ़ोटो के ऊपर कुछ स्टेप्स ऐसे लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना परफेक्ट है, अब इसको हम यहाँ पे डन कर लेते हैं। अब गाइस देखिए हमारा जो PNG वगैरह जितने भी हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है, तो अब इसमें बात आती है हमारी कलर करेक्शन की, तो जो कि हम लाइटरूम ऐप में करते हैं हमेशा की तरह, तो आपको पता ही है। तो अभी हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको अपनी फ़ोटो को यहाँ पे ऑन कर लेना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में। आपको उसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे कम करना है, हाईलाइट को इंक्रीज़ कर देना है, शेडो को भी इंक्रीज़ कर देना है एंड जो वाइट है इसको भी इंक्रीज़ कर देना है, ब्लैक को कम कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद जाना है आपको कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, टेम्परेचर जो है इसको कम करना है एंड जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन माइनस करना है एंड ल्यूमिनस बढ़ा देना है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है ऐसे डार्क ब्लू में, आपको उसका ह्यू माइनस करना है एंड सैचुरेशन प्लस करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो को डन कर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की आप लोगों को क्लियरिटी इंक्रीज़ करनी है, फोटो में बिगिनर डाल देना अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग, ज़्यादा मत डालना नहीं तो बेकार लगेगी फोटो। देन आपको नीचे ग्रेन अमाउंट मिलेगा, आपको उसको बढ़ा देना एंड जाना नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ करनी है, फोटो में नोट रिडक्शन डाल देना है एंड फोटो के नीचे कलर नोट रिडक्शन मिलेगा, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।